आदमी मसला कश्मीर अब तक हल क्यों नहीं हो सका, क्योंकि इसको 72 साल गुजर चुके हैं। मसला कश्मीर जो है उसकी, जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, ऐसी कई मसाइल हैं जो मसला कश्मीर जो है उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और हम 48 में जंग लड़ चुके हैं इंडिया के साथ, 65 की जंग लड़ चुके हैं, 71 में हमने अपना मुल्क आधा खो दिया है, और कारगिल जो है वो भी कश्मीर इशू पर ही थी, आपको पता है। तो ये चार जंगें जो हैं इस पूरे रीजन में, अभी हाल ही में जो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मोदी ने एक कॉन्फ्लिक्ट किया, उससे हमें ये पता चला है कि आइंदा जो इस दुनिया के तमाम थिंक टैंक्स इस बात पे मुतफिक हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है इसी रीजन से हो सकती है। तो मसला कश्मीर जो है वो इतना आसान मसला नहीं है। इसको अगर हम देखें कि तीसरी एटमी जंग का, पहली एटमी जंग जो है, जो आपको पता है कि जो हिरोशिमा नागासाकी वो असरात हैं आज तक नहीं ख़त्म हो सके। जापान में आज भी उन्हीं रीजन्स में, उन इलाके में जो लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बीमार पैदा हो रहे हैं। तो तीसरी जो एटमी जंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अभी इस पर बात हो रही थी कि इसका इफेक्ट तो 2 से 2.5 अरब लोगों पे हो सकता है। तो मसला कश्मीर के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इस पर कोई हल निकल नहीं रहा। कभी इंडिया की तरफ से मसला हो जाता है, कभी हमारी तरफ से मसला हो जाता है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि हमारी तरफ से वो कहते हैं कि हम मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि इंडिया मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता। तो ये बहुत ज़रूरी है इसका हल। जी जी, तो आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल में मसला कश्मीर हल होता नज़र आता है? देखिए, उसमें दोनों ममालिक जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कश्मीर वाले क्या चाह रहे हैं, कश्मीर वाले चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर, ऐसा कश्मीर जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो ना हिंदुस्तान का हिस्सा हो। लेकिन ये चीज़ ना तो काबिल कबूल इंडिया को है, और बड़ी हद तक पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता, क्योंकि हमारा जो सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, जितना पानी आता है वो कश्मीर से आता है। तो इंडिया का भी यही पोजीशन है कि जो पंजाब में उनका सारा जो जितनी भी हरियाली है, और जिन्होंने डैम्स बनाए हैं सारे, वो आपके इसी इन्हीं पानियों पर बनाए हैं। तो अभी इसका कोई ना कोई बैन हल निकालना पड़ेगा। तो कुछ मुश्किलें, बहुत से रीजन्स हैं उसमें, हम चाह तो रहे हैं कि मसला कश्मीर हल हो, लेकिन दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके अपने अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। लेकिन ये है कि जितनी जल्दी मसला हल होगा, तीसरी जो आलमी जंग है उससे खतरा टल सकेंगे। और हम दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया, जो असले का हमारी जंग जारी है, क्योंकि हमने इस दफ़ा कट करने का फैसला किया है, बड़ा खुशाइंद है। लेकिन इंडिया ने इसराइल के साथ अभी हाल ही में मजीद एग्रीमेंट्स किए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उस नुकसान क्या होता है कि गुर्बत इस रीजन में बढ़ रही है। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स नहीं हैं इंडिया में ना पाकिस्तान में, तालीमी इदारे नहीं हैं इंडिया में ना पाकिस्तान में, एजुकेशन इलाज महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। क्यों? इसकी सारे पीछे, सारे मामलों के पीछे एक ही मसला है, वो कश्मीर का मसला है। जितनी जल्दी मसला कश्मीर हल होगा, ये सारे मामलों हम एड्रेस कर सकते हैं। जी सर, आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका